उन्नाव के जंगल में तीन दलित लड़कियों को बंधक बनाकर दुर्दांतता की पराकाष्ठा पार की गई, जिसमें से दो मासूम लड़कियों ने दम तोड़ दिया, वहीं तीसरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ऐसे में जब प्रशासन को उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तब आदित्यनाथ का प्रशासन अपनी छवि बचाने में जुटा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इसे जहर खुराना का मामला बता रहे हैं। ठीक ऐसा ही मनगढ़ंत किस्सा प्रशांत कुमार ने हाथरस के हादसे में भी सुनाया था और कहा था कि रेप हुआ ही नहीं, जबकि बाद में पुष्टि रेप की हुई। आदित्यनाथ के प्रशासन ने हाथरस की गुड़िया को भी न समय पर इलाज दिलाया था, न सही तरीके से उसे बचाने की कोशिश की थी, बल्कि उसके परिवार को बंधक बनाकर मीडिया को गांव जाने से रोक दिया था ताकि सच्चाई को छिपा दिया जाए। अब ठीक ऐसी ही हरकत उन्नाव की बिटिया के मामले में भी की जा रही है। परिवार को नजरबंद कर दिया गया है, पुलिस मनगढ़ंत किस्से सुनाकर भ्रम फैला रही है, जबकि लड़की का पिता चीख चीख कर आदित्यनाथ की सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। साहब, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे अपराधी पकड़ा जाए, मेरी लड़की मर गई है, बस अपराधी हमको चाहिए, जहां हो उनको सजा मिले। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास फोटो सेशन कराने का समय होता है, हीरो हीरोइनों से मिलने का भी समय होता है, समय नहीं होता है तो महिलाओं की पीड़ा सुनने का, गरीब वंचितों को न्याय दिलाने का। वो सेंगर का मामला हो, मेरठ में 15 टुकड़ों में मिली महिला के शव का मामला हो, बुलंदशहर हाथरस का मामला हो, या वर्तमान उन्नाव का मामला हो।